सो क्वेश्चन नंबर 50, इसके 17 सब क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट के तीन है 15, 16, 17। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी दो डाइस को एक साथ थ्रो किया, टू डाइस आर थ्रोन, तो डाय पे, एक डाय पे नंबर आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरे पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऑलरेडी इसके पहले बता चुके हैं कॉम्बिनेशन आएंगे मैक्सिमम। नाउ बताइए कॉम्बिनेशन 1, 1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डाय पे भी 1 आया है, सेकेंड डाय पे 1 आया, यहाँ फर्स्ट डाय पे 1 आया, सेकेंड पे 2 आया, फर्स्ट डाय पे 1 आया, सेकेंड पे 3 आया, यहाँ पे फर्स्ट डाय पे 3 आया, सेकेंड पे 4 आया, यहाँ पे फर्स्ट डाय पे 5 आया, सेकेंड पे 2 आया, और सबसे बड़ा नंबर आ सकता है फर्स्ट डाय पे भी 6, सेकेंड पे 6, और सबसे छोटा नंबर आ सकता है फर्स्ट डाय पे 1, सेकेंड पे 1। ऑलरेडी इसके बारे में बताया, वेन टू डाय साथ हो ना, अगर दो डाय को आप एक साथ थ्रो करेंगे तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। इसमें 6 रोज है, 6 रोज और 6 कॉलम्स है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 रोज इंटू 6, 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36 टर्म्स, और ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स आ जाएगा, एनएस इज इक्वल टू 36। इज इट क्लियर, एनएस इक्वल 36। ना आपको बताया था अगर आपको देखना है कि नंबर 1 कहां पे, तो नंबर 1 फर्स्ट रो में मिलेगा, नंबर 1 फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, नंबर 2 देखना तो नंबर 2 सेकंड रो में, देखिए सेकंड रो में, देखिए 2 2 सेकंड रो में मिलेगा और सेकंड कॉलम में मिलेगा, नंबर 3 आपको थर्ड रो में मिलेगा और थर्ड कॉलम में मिलेगा, नंबर 4 देखना है कि नंबर 4 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो फोर्थ जो रो है इस पे 4 4 4 4, और फोर्थ जो कॉलम है, यस ये फोर्थ कॉलम, और फोर्थ पूरी रो पे देखिए 4 मिलेगा, 5 मिलेगा आपको फिफ्थ रो पे और फिफ्थ कॉलम में, 6 मिलेगा लास्ट सिक्स्थ वाले रो पे और सिक्स वाले कॉलम पे, लाइक सभी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, 16, 17, तो क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इजी एक्चुअली, बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सो आई एम टेकिंग सब क्वेश्चन नंबर 15। सो इवेंट, इसके पहले एन तक हुआ था, आई एम नॉट टेकिंग सपोज ओ, इवेंट पी, कोई भी, यू कैन गिव इन नेम, इवेंट पी, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, आउटपुट में 5 एज सम, यानी दोनों डाय के नंबर को ऐड करने से आंसर 5 आना चाहिए, जैसे यहां देखिए 3 और 2 5 आ रहा है, 3 और 1 4 आ रहा है, ये नहीं चलेगा, 5 एज सम, 5 चाहिए, ठीक है। सो आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डायस, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डायस शुड बी 5, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डायस, यानी दोनों डायस पे जो नंबर है फर्स्ट डाय पे और सेकेंड डाय पे, दोनों डायस के नंबर को ऐड करेंगे, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डायस शुड बी 5, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डायस शुड बी 5। सो देखिए आप इवेंट पी में कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे, बताइए, अगर हमको सम चाहिए 5, सम 5, तो हमेशा याद रखिए कि 1 के साथ देखिए कौन सा नंबर ऐड होगा, तो 5 आएगा, तो 1 4, और 1 4 का उल्टा क्या आ जाएगा, फिर 4 1, फिर 1 से बड़ा वाला नंबर देखिए 2 2 के साथ 3 आएगा, तो 5 आ जाएगा, सो लाइक दिस। सो 5 के लिए पहला टर्म चाहिए 1 4 1 4, बताइए ऐड करेंगे 1 प्लस 4 5 आएगा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पहले 1 बाद में 4, अपोजिट में पहले 4 बाद में 1, 4 1। तो सबसे पहले 1 के साथ देख लिए कि 1 के साथ कौन सा नंबर ऐड करने से 5 आता है, 1 के साथ 4 और इसका उल्टा 4 1। अब 1 से बड़ा नंबर लिया, अब 1 से बड़ा नंबर 2, अब यहां 2 के साथ देखिए, 1 के साथ 4 ऐड करने से 5 आता है, तो 2 के साथ 3 ऐड करने से 5 आएगा, सो नेक्स्ट रहेगा 2 3, और इसका अपोजिट पहले 2 बाद में 3, अब पहले 3 बाद में 2 3 2, बस ये 4 टर्म्स है जिससे आपको 5 मिलेगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एक्चुअली, 4 टर्म्स, सो 4 इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम, सो एक टर्म इसको बोलते, दिस इज कॉल्ड एज 1 टर्म या 1 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4, 4 टर्म्स, ये 4 हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम एनपी, सो एनपी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी, पीपी इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस,
एनपी, तो इवेंट पी में फोर टर्म्स है तो एनपी की वैल्यू फोर है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 36 है, देखिए पूरे कॉम्बिनेशन 36, तो एनएस की वैल्यू 36 और दोनों फोर से डिवाइड होते हैं, फोर के फोर से डिवाइड करेंगे फोर अपॉन फोर वन और 36 को फोर से डिवाइड करेंगे इट इज नाइन, फोर नाइन सा 36 तो 1/9। सो इवेंट पी बहुत ही आसान था, सम क्या चाहिए एक्चुअली 5 है सम, 5 यानी दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने से आंसर 5 आना चाहिए, तो 5 के लिए पहला कॉम्बिनेशन 1 4, क्योंकि 1 और 4 ऐड करने से 5 आता, बाद में उसका अपोजिट 4 1, फिर 1 से बड़ा नंबर लिया 2 2 3 और बाद में 3 2, ऐसे चार टर्म्स आ गए, तो यहाँ क्योंकि चार टर्म्स हैं 1 2 3 4 इसलिए फेवरेबल आउटकम 4 आ जाएगा एनपी, सो एनपी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी पीपी इज इक्वल टू एनपी बाय एनएस। नाउ सिमिलरली विल गो टू नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन नंबर 15, सब क्वेश्चन नंबर 16, इवेंट क्यू, इवेंट क्यू आउटपुट इज इक्वल टू क्या है, 2 विल कम एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम दो डाई को थ्रो कर रहे, दो डाई पे कम से कम एक डाई पे तो 2 चाहिए, ठीक है, कितने डाई को थ्रो कर रहे, दो डाई में से कम से कम एक डाई पे 2 चाहिए। अब आपको नंबर 2 इस जो टेबल है ये टेबल में एक्चुअली आपको नंबर 2 कहां मिलेगा, 1 मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, 1 मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मिलेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 मिलेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, 5 मिलेगा 5 फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम, देखिए 2 चाहिए, 2 विल कम एट लीस्ट वंस, सो 2 आपको मिलेगा, देखिए फर्स्ट सेकेंड सेकेंड रो, यहाँ पे देखिए 2 आएगा, यहाँ पे सब जगह 2 आएगा और सिर्फ सेकेंड रो नहीं बल्कि सेकेंड कॉलम पे भी 2 लाइक दिस, हाँ यहाँ तो दोनों 2 2 है, ठीक है यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ के पूरे 6 टर्म्स सेकेंड रो के पूरे 6 टर्म्स में पहला देखिए 2 आ रहा है, 2 2 2 2 2 2, और बाद में सेकेंड कॉलम जो रहेगा वहाँ पे सेकेंड वाला टर्म देखिए 2 2, सभी ठीक है, और बाद में यहाँ पे तो दोनों फर्स्ट वाला भी टर्म 2 है सेकेंड भी 2 है, सो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया आउटपुट में 2 विल कम एट लीस्ट वंस, यानी कम से कम एक डाई पे, ठीक है मिनिमम 1 डाई पे 2 आना चाहिए, ठीक है 2 विल कम एट लीस्ट वंस मींस एट लीस्ट ऑन 1 डाई, 2 विल कम एट लीस्ट ऑन 1 डाई, यानी कम से कम एक डाई पे तो 2 आना चाहिए। अब नंबर 2 आपको कहां मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है नंबर 2 इसके पहले एक टाइप का क्वेश्चन किया कि 5 के लिए था, सो नंबर 5 कहां मिलेगा, नंबर 5 मिलेगा आपको फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम, वैसे नंबर 2 ये देखिए नंबर 2 ये सेकेंड रो, नंबर 2 आपको मिलेगा पूरा सेकेंड रो, यहां पे 2 आ रहा, तो सिंपल है 2 देखना है, 2 देखना है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 देखना है तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 देखना है तो फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, 5 देखना है तो फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम, 1 देखना 1 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और वैसे 6 सबसे बड़ा नंबर 6 देखना है तो सिक्स्थ रो सिक्स्थ कॉलम, ये देखिए 6 रो में और 6 कॉलम में और 6। सो अभी आपको क्वेश्चन में दिया कि 2 विल कम एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 2 चाहिए, यानी पहले डाई पे 2 दूसरे पे कोई भी चलेगा, या दूसरे डाई पे 2 पहले पे कुछ भी चलेगा, या दोनों पे अगर 2 2 आ गया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 2 विल कम एट लीस्ट ऑन 1 डाई एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 2 चाहिए, हाँ एक बार से ज्यादा बार दोनों बार 2 आ रहा तो भी करेक्ट है, एटमोस्ट अगर रहता एटमोस्ट एक बार 2 चाहिए तो फिर 2 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं चलता, अगर रहता एटमोस्ट 2 वंस, यानी ज्यादा ज्यादा एक ही बार चाहिए, दो बार नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 एक बार चाहिए, मतलब एक बार से ज्यादा बार अगर दो बार आ गया दोनों में 2 और 2 आ गया तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए तो 2 के लिए कौन सा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में देखिए आ जाएगा, अब ये 2 2 दो बार आ रहा है लेकिन हम लिखेंगे एक ही बार, रो में अगर आप 2 2 लिख चुके हैं तो कॉलम में 2 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी एक नंबर को टर्म को एक ही बार लिखेंगे, यहाँ देखिए सब जगह 2 आ रहा है, ये बॉक्स में डाला हमने, ठीक है सो 2 विल कम एट लीस्ट ऑन 1 डाई, कम से कम एक डाई पे 2 चाहिए, तो बताइए 2 कहां मिलेगा आपको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो, यहां देखिए 2 मिल रहा है, कितने टर्म्स आ गए 1 2 3 4 5 6 और सेकेंड कॉलम यहां भी कितने टर्म्स आ गए 6, लेकिन उसमें से एक टर्म दो बार आ रहा है 2 कॉमा 2
ऑलरेडी हम लो में रो में एक्चुअली 2.2 लिख चुके हैं, तो कॉलम में दोबारा 2.2 नहीं लिखेंगे. सो 2 विल कम एट लीस्ट ऑन वन डाई. सो इवेंट क्यू देखिए, तो क्यू के टर्म्स, रो वाले टर्म्स लिख रहे पहले 2-1, 2-2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. अब कॉलम वाले टर्म, कॉलम वाले टर्म इसको देख के भी लिख सकते हैं, कॉलम वाले टर्म इसको देख भी. कैसे? 2-1 का उल्टा, 2-1 का उल्टा क्या आएगा? 1.2. ठीक है, तो रो वाले टर्म्स एक बार देख ले, रो वाले टर्म्स देखकर लिख ले 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 से 2-6. फिर कॉलम वाले टर्म्स कैसे लिखेंगे? ये 2-1, 2-1, पहले 2 बाद में 1, तो उसका उल्टा, पहले 1 बाद में 2. नाउ 2.2, 2.2 का अपोजिट नहीं आएगा, 2.2 का अपोजिट 2.2 आएगा. किसी भी एक टर्म को एक बार लिखेंगे, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिख रहे. हाँ, 2.3 बताए, 2 पहले 3 बाद में, तो पहले 3 लिखेंगे बाद में 2, यानी यहां पे आ जाएगा 3.2. 2.4 में आ जाएगा 4.2. 2.5 में आ जाएगा 5.2. 2.6 में आ जाएगा 6.2. ये 2 वाले टर्म्स, कितना टर्म्स आ गया देखिए, यहां पे 6 टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन यहां पे सिर्फ 5 टर्म्स है, क्योंकि 2.2 का अपोजिट 2.2 होगा और किसी एक टर्म को दोबारा नहीं लिखेंगे. इज इक्वल टू हाउ मेनी टर्म्स एक्चुअली? 11 टर्म्स. 11 टर्म्स, ये हमारा 11 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम. सो एन क्यू इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. इज इट क्लियर? सो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि कम से कम 2 में से एक डाई पे 2 चाहिए, 2 विल कम एट लीस्ट वंस. Output is equal 2 will come at least on one die. At least on one die मतलब first die पे अगर 2 आ रहा है, second पे नहीं आया चलेगा, second पे अगर 2 आ रहा है, first पे नहीं आया तो भी चलेगा, और दोनों पे अगर 2-2 आ रहा है तो भी चल जाएगा. लेकिन जैसे नंबर आ रहा है 4-3, बताइए first die पे 4, second पे 3, किसी पे भी 2 नहीं आ रहा, तो ऐसे numbers नहीं चलेंगे. 2 will come at least once. तो उसके हिसाब से देखिए, तो 2 कहाँ मिलेगा आपको? Second row और second column. तो second row के पूरे terms लिखिए, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 देखिए. सेकेंड रो के 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. फिर कॉलम के टर्म्स देख के भी लिख सकते हैं यहां से 1-2, लेकिन 2-2 देखिए ऑलरेडी रो में आप लिख चुके हैं, कॉलम में भी आ जा रहा, तो किसी एक टर्म को अगर एक बार, ज्यादा बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितने बार भी आ रहा है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार, इसे ऑलरेडी 2.2 यहां लिख चुके हैं, दोबारा हमने कॉलम में 2.2 नहीं लिखा. हाँ, फिर 2-1 का अपोजिट, ठीक है, 1-2, 2-3 का अपोजिट 3-2, 2-4 का 4-2, ये यहां से देख कर भी लिख सकते हैं इसके अपोजिट, या फिर यहां से भी देखेंगे तो वही आएगा, 2-1 का अपोजिट 1-2, 2-3 का अपोजिट 3-2, 2-4 का अपोजिट 4-2, 2-5 का अपोजिट 5-2, 2-6 का अपोजिट 6-2. तो कॉलम देख के भी लिख सकते हैं, या फिर यहां से ही पहले 2 बाद में 1, तो पहले 1 बाद में 2, इसका अपोजिट 2.2 रहेगा, जो एक बार लिखोगे दोबारा लिखेंगे, पहले 2 बाद में 3, तो पहले 3 बाद में 2, पहले 2 बाद में 4, तो पहले 4 बाद में 2. लेट्स कंटिन्यू. ऐसे फर्स्ट लाइन में देखिए 6 टर्म्स है, 6, और सेकेंड लाइन में एक टर्म कम है, ये टर्म दोबारा नहीं आएगा, सिर्फ 5 टर्म्स है. 6+5=11 टर्म्स. एन क्यू की वैल्यू 11, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन एन एस. एन क्यू की वैल्यू 11 है और एन एस की वैल्यू है 36, 11/36 जो कि इवेंट क्यू. सब क्वेश्चन नंबर 16, देन 17 विल बी इवेंट आर. इवेंट आर, अगर आप इवेंट क्यू और इवेंट आर देखेंगे, मतलब सब क्वेश्चन 16, 17 देर अपोजिट, यहां 2 विल कम एट लीस्ट वंस, 2 कम से कम एक बार चाहिए, और यहां 2 विल नॉट कम आइदर टाइम, यानी किसी एक बार भी 2 नहीं चाहिए. यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, कम से कम एक डाई पे तो 2 आना चाहिए, और यहां पे क्या दिया, किसी भी डाई पे 2 नहीं आना चाहिए. 2 विल नॉट कम आइदर टाइम, यानी फर्स्ट टाइम में भी, फर्स्ट डाई पे भी 2 नहीं आना चाहिए, सेकंड डाई पे भी 2 नहीं आना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट डाई पे भी 2 नहीं आना चाहिए, सेकंड डाई पे भी 2 नहीं आना चाहिए, या अगर एक ही डाई को दो बार थ्रो किया तो पहली बार भी 2 नहीं आना चाहिए,
आइदर अ टाइम, पहली बार भी टू नहीं आना चाहिए, दूसरी बार भी टू नहीं आना चाहिए, यानी टू वाले टर्म्स छोड़ के बाकी पूरे टर्म्स, टू वाले टर्म्स छोड़ के, तो यहाँ पे क्या चाहिए सब क्वेश्चन नंबर 16 में टू कम से कम एक बार चाहिए, और से यहाँ 17 में टू एक बार भी नहीं चाहिए। तो पता है यहाँ टू वाले टर्म्स कितने थे, 11, यानी टोटल टर्म्स 36 है, 36 में से 11 ऐसे टर्म्स है जहाँ टू आ रहा है, 11। फिर कितने टर्म्स है ऐसे जहाँ पे टू नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, टोटल टर्म 36 है, 36 में से 11 टर्म को माइनस कर देंगे, 36 में 11 टर्म्स को क्या कर देंगे माइनस, 36 माइनस 11 कितना आ जाएंगे 25। मतलब ये टर्म्स जहां टू नहीं आ रहे, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो हमने बॉक्स में डाले ये टू वाले टर्म्स है, ये टू वाले टर्म्स को छोड़ के बाकी पूरे टर्म्स जितने बॉक्स के बाहर है, जैसे ये टर्म्स पूरे लेंगे, ये पूरे टर्म्स ले लेंगे, सब पूरे टर्म्स, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे टर्म्स कैसे निकालेंगे, टू वाले टर्म्स कितने हैं 6 + 5 = 11, 36 में से 11 टर्म्स ऐसे जहां 2 आ रहे हैं, फिर कितने टर्म्स है जहां 2 नहीं आएगा, 36 टोटल टर्म 36 में से 11 को माइनस कर दिए, ठीक है, टोटल 36 टर्म्स में से 11 टर्म्स जो बॉक्स में डाला 2 वाले, इसको माइनस कर दिए, 36 - 11 = 25 टर्म्स बच जाएंगे। सो यहां पे इवेंट आर में आउटपुट इज इक्वल टू, सो 2 विल नॉट कम आइदर टाइम, 2 will not come either on first die bol sakte hai, first time or second die, 2 will not come, in fact 2 should not come likhna chahiye, theek hai, 2 should not come, it will be should, टू शुड नॉट कम आइदर ऑन फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई, पहली बार भी टू नहीं आना चाहिए, सेकेंड बाई टू आना चाहिए। तो अगर दो डाई को एक साथ थ्रो किया तो भी रिजल्ट वही है, अगर एक ही डाई को पहली बार दूसरी बार थ्रो किया तो भी रिजल्ट सेम है। सो आइदर टाइम यानी किसी बार भी टू नहीं आना चाहिए, सो टू शुड नॉट कम आइदर ऑन फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई, इज इट क्लियर। सो इवेंट आर में टू वाले टर्म नहीं रहना चाहिए, यहां क्यू में टू वाले टर्म्स रहना चाहिए 11 टर्म्स, और यहां पे देखिए नॉट इक्वल, यहां इक्वल लिखा है, यानी ये टर्म्स टू वाले टर्म्स क्यू इवेंट क्यू में रहना चाहिए और यहां नहीं रहना चाहिए, तो वही सेम टर्म्स आ जाएंगे यहां पे, टू वाले टर्म्स 2-1, 2-2, -- 2-6 देन 1-2 6-2, नॉट इक्वल है, कितने टर्म्स आ गए, दीज आर नथिंग बट 11 टर्म्स, दीज 11 टर्म्स। सो इवेंट आर में 11 टर्म्स जो टू वाले हैं, 11 टर्म्स छोड़ के बाकी टर्म्स रहेंगे नहीं रहेंगे, तो इवेंट आर में टर्म्स कितने रहेंगे, ये टू वाले जो 11 टर्म्स हैं, याद रखिए, देखिए टू वाले 11 टर्म्स कितने हैं, ये 6 और ये 5, 11 टर्म्स, ठीक है। तो यहां इवेंट क्यू में इस क्वेश्चन में टू चाहिए, ठीक है, कम से कम एक बार, ये दो बार भी चलेगा, और इवेंट आर में टू एक बार भी नहीं चाहिए। सो टोटल टर्म यहां 36 है, 36 में से 2 के 11 टर्म्स को माइनस कर देंगे, 25 टर्म्स, ये जो टर्म्स बॉक्स के बाहर लिखे जहां 2 नहीं आ रहा, ऐसे टर्म्स कितने बचेंगे, 25। आप काउंट करके भी देख सकते, इफ यू वांट यू कैन काउंट 25 टर्म्स, देखिए कितने टर्म्स यहां पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 टर्म्स। सो आर इज नॉट इक्वल टू 11 टर्म्स, यानी आर की वैल्यू आएगी, टोटल टर्म्स 36, उसमें से 11 टर्म्स ये आले माइनस कर 25 टर्म्स। ये कौन से 25 टर्म्स है, ये 11 टर्म्स टू वाले छोड़ के, अगर फिगर में देखेंगे जितने भी टर्म्स बॉक्स के बाहर है, बॉक्स के अंदर वाले टर्म्स में टू आ रहा है,
जहां टू चाहिए वहां ये आएंगे, और जहां सिर्फ टू नहीं चाहिए बाकी कुछ भी चलेगा वहां ये टर्म, बॉक्स के बाहर वाले, और ये 25 टर्म्स है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एनआर इज इक्वल 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर पी आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन एस इज इक्वल टू एन आर की वैल्यू 25 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म 36 है, सो इट इज 25/36 का कॉमन फैक्टर नहीं है, इट इज 25/36। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 50। यस, सो आरडी शर्मा एक्सरसाइज 16.1, एक्सरसाइज हमने लिखा नहीं लेकिन एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 पेज 16.24, अ ब्लैक डाई एंड अ वाइट डाई। सो जैसे डाई अलग अलग कलर की आती है, ब्लैक, ठीक है, वाइट, रेड, पिंक, इज इट क्लियर, येलो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, कलर डजेंट मेक एनी डिफरेंस। डाई के अंदर, डाई के ऊपर एक्चुअली डॉट्स बने रहते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, ठीक है, जो हम लूडो वगैरह में यूज करते हैं, तो उस पर डॉट्स कितने रहते हैं, वन डॉट जो वन रिप्रेजेंट करेगा, टू डॉट्स यानी दो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मैक्सिमम सिक्स डॉट्स जो सिक्स रिप्रेजेंट करेगा। सो डाई ब्लैक कलर की है कि ग्रे कलर की, कि वाइट है कि रेड, इट डजेंट मेक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अ ब्लैक डाई एंड अ वाइट डाई मतलब दो डाई बेसिकली, टू डाइस, ठीक है, टू डाइस आर थ्रोन, अ ब्लैक डाई एंड अ वाइट डाई आर थ्रोन एट सेम टाइम, राइट पॉसिबल आउटकम्स एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर्स इज एट, ठीक है, बाद में टोटल ऑफ सिक्स, टोटल ऑफ टेन, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, ठीक, यहां पे सम ऑफ टू नंबर्स इज एट, बाद में टोटल ऑफ सिक्स, देन टोटल ऑफ एट टेन, सो दिस इज सम ऑफ टू नंबर्स इज एट, टोटल ऑफ सिक्स, टोटल ऑफ टेन, सिंपल क्वेश्चन है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, ठीक है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबलेट, इसके पहले ऑलरेडी सॉल्व किया आप लास्ट क्वेश्चन, इट मीन्स डबलेट सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 लाइक दिस। सो व्हेन टू डाइस, ठीक है, ब्लैक डाई एंड अ व्हाइट डाई, कलर डजंट मेक अ डिफरेंस, दैट मींस व्हेन टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, ये मैक्सिमम, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, ऑलरेडी इसके पहले लिखा है, यानी फर्स्ट डाई पे वन, सेकंड पे वन, फर्स्ट पे वन, सेकंड पे टू, फर्स्ट पे वन, सेकंड पे थ्री, डैश डैश, फर्स्ट पे वन, सेकंड पे सिक्स, ठीक है, 1 1 से 1 6, वैसे 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6, सबसे बड़ा नंबर 6 6 और सबसे छोटा नंबर 1 1, यहाँ पे सम करेंगे तो 1 + 1 2 आएगा, यहाँ पे सम करेंगे तो 6 + 6 12 आएगा, ठीक है। सो व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, उसमें ब्लैक डाई है, व्हाइट डाई, उस डजेंट मेक अ डिफरेंस, ब्रैकेट में हमने लिख दिया ब्लैक डाई एंड अ व्हाइट डाई, बट कलर डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ओके, व्हेन टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम then total possible outcomes are, इतने possible outcomes हैं, number of rows कितने हैं, first row, second row, third, fourth, fifth, six rows, और columns first, second, third, fourth, six, so six rows into six columns, six into six is nothing but 36 terms, that is called as NS, maximum possible outcomes, NS की value 36 आ जाएगी, और इसके पहले किया है, now आप किस चीज की probability निकालना है, sum of two numbers is eight, मतलब दो डाई, पहले डाई पे सपोज 5 आ गया, सेकंड पे 1 आ गया, इसका सम करेंगे तो 5 + 1 6 आएगा, ऐसे यहां पे दिया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो सब क्वेश्चन नंबर 1 इसको बोलेंगे इवेंट ए, इवेंट ए, इसमें आउटपुट में क्या चाहिए, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस, sum of numbers on two dice should be 8, sum of two numbers is 8 diya, so sum of numbers on two dice should be 8, simple actually, yani pehle die pe number, second die pe number, dono ko add karne ke baad answer 8 aana chahiye, now agar suppose hum first term 1 lenge to 1 aur maximum die mein sabse chota number 1 aayega aur sabse bada number 6 aayega, agar pehle pe 1 aaya, second pe 6 aaya to add karne chance 7 aayega, 8 nahi aayega, humko 8 chahiye, सो फर्स्ट पे मिनिमम 2 चाहिए, ठीक है, सो देखिए इवेंट ए में कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे देख लेंगे, तो 8 के लिए पहले डाई पे कम से कम 2, सेकंड पे 6, ठीक है, पहले पे 2, सेकंड पे 6, नाउ इसका उल्टा 2 6, इसका अपोजिट आ जाएगा 6 2,
पहले 2662 वन से नहीं आएगा, 1667 आएगा हमारा मैक्सिम, हमको आउटपुट 8 चाहिए, 8 8 के लिए 6 सबसे बड़ा नंबर क्योंकि 6 है, 6 में 2 ऐड करना पड़ेगा, सो फर्स्ट डाई पे 2, सेकंड पे 6 और इसका अपोजिट 62, ठीक है। उसके बाद अभी नंबर 2 को बढ़ा दिया, 2 को बढ़ा के 3, अब 3 के साथ 8 करना, 8 तो 8 करने के लिए 3 के साथ 5 ऐड करना पड़ेगा, सो कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3 5, और इसका उल्टा आ जाएगा 5 3, ये दोनों टर्म्स आप ऐड करेंगे, 3 + 5 8, 5 + 3 8, अब 3 से बड़ा नंबर लिया एक्चुअली 4, तो 4 के साथ 4 यानी डबलेट है सेम नंबर, तो इतने टर्म्स आ जाएंगे, टर्म्स कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 8, तो 8 हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा, सो नंबर ऑफ टर्म्स आर नथिंग बट 8, दिस आर 8 टर्म्स, दिस 8 इज नथिंग बट एन ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दिस आर क्या, तो आउटपुट में क्या चाहिए, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डैश शुड बी 8, यहां दिया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, ठीक है। सो सेम टाइप का क्वेश्चन यहां दिया है, टोटल ऑफ 6, टोटल ऑफ 6 का मतलब वही होता है कि दोनों डाइस के नंबर का आप टोटल करेंगे सम करेंगे यानी अल्टीमेटली ऐड करेंगे, तो सम आ गया तो भी ऐड करना है, टोटल आ गया तो भी ऐड करना है, अगर प्रोडक्ट आ गया प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो यहां पे सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दोनों डाइस के नंबर सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डैश शुड बी 8, दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने से आंसर 8 आना चाहिए, तो पहला कॉम्बिनेशन 2 6, इसका उल्टा 6 2, बार में 3 5 5 3 4 4, ऐसे सॉरी कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गए, ठीक है, इट इज नॉट 8 टर्म्स, 5 टर्म्स, सम 8 चाहिए, ऐसे कितने टर्म्स आ गए देखिए, 1 2 3 4 5 5 टर्म्स इट इज, और ये 5 जो क्वांटिटी इंडिकेट करेगा फेवरेबल आउटकम एन ए, एन ए इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ओके शॉर्ट में लिख दिया आउटकम्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस, एन ए अपॉन एन एस, एन ए की वैल्यू 5 है और 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 36, सो इट इज 5 by 36, सिंपल क्वेश्चन, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन किए, दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने से आंसर 8 आना चाहिए, सो सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस शुड बी 8, वैसे ही टोटल ऑफ 6 भी वैसी है, इवेंट भी यानी सम ऑफ नंबर्स कितना आना चाहिए एक्चुअली 6, आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज इक्वल टू 6 आंसर, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज इक्वल टू 6, टोटल ऑफ 6, सो इवेंट बी में देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन में 6 आएगा, तो 6 के लिए सब छोटा 1 लेंगे तो 1 के साथ 5, इसका उल्टा 5 के साथ 1, फिर 1 के साथ 5, 5 के साथ 1, बाद में आप 2 ले लिए, 2 के साथ 4, उसका अपोजिट 4 के साथ 2, और बाद में फिर 3 और 3, 3, इज इट क्लियर, सो सम ऑफ नंबर्स टोटल मतलब वही होता सब, सो टोटल ये इसकी अगर सम आ गया तो भी सेम चीज है, इज इट क्लियर, सो आउटपुट में क्या चाहिए, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डैश शुड बी 6, तो कौन सा कॉम्बिनेशन 1 5 5 1, देखिए 6 आता है बाद में 2 4 4 2, बाद में 3 3, यहां पे भी कितने टर्म्स आ गए 5, दे आर सेम 5 टर्म्स, एंड दिस 5 इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट बी, सो ये एन बी, यहां पे एन ए था इवेंट ए के लिए, एन बी, एन बी इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, शॉर्ट में लिखा है फेवरेबल आउटकम, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी पी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस, एन बी अपॉन एन एस, एन बी की वैल्यू 5 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दो डाइस को अगर आप थ्रो करेंगे दे आर 36, सो 5 by 36, दैट इज इवेंट बी,
देन नंबर थ्री इवेंट सी, सेम है इवेंट सी, सिर्फ सेकंड में टोटल ऑफ सिक्स चाहिए, यहां टोटल ऑफ टेन चाहिए। टोटल ऑफ क्या चाहिए एक्चुअली, टेन। सो इवेंट सी में आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस, जैसे इसके पहले सिक्स था तो यहां पे कितना आना चाहिए, टेन। तो इवेंट सी के लिए देखिए कॉम्बिनेशंस कौन कौन से आएंगे टेन के लिए, तो टेन के लिए सिक्स के साथ कम से कम फोर ऐड करना पड़ेगा तभी टेन आएगा, यानी वन टू थ्री से काम नहीं चलेगा, फोर कॉमा सिक्स, फोर और सिक्स, और इसका उल्टा हो जाएगा सिक्स फोर, ठीक है, फोर सिक्स सिक्स फोर, और बाद में फोर से बड़ा नंबर फाइव है तो फाइव फाइव, सिर्फ यहां तीन टर्म्स आएंगे बस, ओनली थ्री टर्म्स, सो फेवरेबल आउटकम थ्री हो गया। देखिए अगर टोटल हमको एट चाहिए तो भी पांच टर्म्स आ रहे थे, टोटल हमको सिक्स चाहिए तो भी फाइव टर्म्स आ रहे थे, टोटल टेन में सिर्फ थ्री टर्म्स है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा इवेंट सी का, दैट इज एन सी। सो एन सी इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी पी सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन एस, एन सी की वैल्यू थ्री है और टोटल टर्म्स हमारे 36 हो जाएगा और दोनों थ्री से डिवाइड होते हैं, थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे वन आ जाएगा और 36 को थ्री से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, सो इट इज वन बाई ट्वेल्व, इट इज नथिंग बट इट इज वन बाई ट्वेल्व, ठीक है, थर्ड हो गया, टोटल ऑफ टेन। सब क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ही आसान है, और इसके पहले किया एक्चुअली सेम नंबर ऑन बोथ डाइस डबलेट, उसको डाइस कॉल से डबलेट, जैसे वन वन टू टू, यहाँ आएगा थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, ठीक है, सेम नंबर है ना, पहले डाइस पे और सेकंड डाइस पे दोनों पे सेम नंबर चाहिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विन नंबर्स भी बोल सकते हैं या डबलेट भी बोल सकते हैं, सेम नंबर। सो दिस इज इवेंट डी, आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सो इवेंट डी में देखिए कौन कौन से नंबर्स आएंगे, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डबलेट, थ्री कॉमा थ्री, देन फोर कॉमा फोर, देन फाइव कॉमा फाइव एंड सिक्स कॉमा सिक्स, सो देर आर सिक्स टर्म्स एंड दैट इज फेवरेबल आउटकम, सिक्स टर्म्स। This is your ND. So ND is equal to 6 is equal to number of favorable outcomes and probability of event D PD is equal to ND upon NS. ND की वैल्यू है 6, NS की वैल्यू 36 और दोनों 6 से डिवाइड हो जाते हैं, 6 डिवाइड बाय 6 इज 1 एंड 36 डिवाइड बाय 6 इज 6, सो इट इज 1 बाय 6, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पहला था सम ऑफ टू नंबर्स 8 चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे 10 चाहिए, यहाँ पे सेम नंबर दोनों डाइस पे चाहिए डबलेट। यस, सो सेम क्वेश्चन नंबर 53 का सब क्वेश्चन नंबर 5, इसके पहले 1 2 3 4 चार सब क्वेश्चन हो गए, सब क्वेश्चन नंबर 5। सो ब्लैक डाई एंड व्हाइट डाई, मतलब टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस, एक का कलर ब्लैक है एक का व्हाइट, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, टू डाइस आर थ्रोन, तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 36 आएंगे, ऑलरेडी इसके पहले आपने देखा है, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक, दैट टोटल मोर देन 9, मतलब दोनों डाइस के नंबर का आंसर टोटल, टोटल मतलब सम, यानी दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा मोर देन 9, 9 से ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद इवेंट डी हो गया था, ये सब क्वेश्चन नंबर 5 है इवेंट ई, इवेंट ई, आउटपुट सम ऑफ नंबर्स
यानी दोनों डाइस पे जो नंबर है सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस, बताए सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस शुड बी मोर देन नाइन. मोर देन नाइन मतलब नाइन से ज्यादा चाहिए. नाइन से ज्यादा कौन कौन से आंसर्स आ सकते हैं? 10, 11, 12. टू डाइस इज इक्वल टू नाइन, सॉरी नाइन मोर देन नाइन है. मोर देन नाइन में नाइन इंक्लूड नहीं होगा. नाइन से ज्यादा नाइन इंक्लूड नहीं होगा, मतलब कम से कम 10 इज इक्वल टू 10, 11. और सबसे बड़ा सम 12 आता है इस कॉम्बिनेशन में. जब दोनों डाइस पे 6, 6 आ गया तो बताइए 6 + 6 कितना आएगा? 12. तो 12 से बड़ा सम नहीं आ सकता. हाँ प्रोडक्ट में ज्यादा आ सकता, लेकिन सम में 12 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता. सो इवन टी में आउटपुट में क्या है? टोटल मोर देन 9. मतलब टोटल मतलब दोनों डाइस के नंबर को ऐसे ही ऐड किया, 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8, 6 + 6 = 12, 4 + 6 = 10. ये टोटल क्या चाहिए? टोटल मोर देन 9, मतलब 9 से ज्यादा चाहिए. सो 9 से बड़े कौन कौन से सम आ सकते हैं? 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है. सो अब देखेंगे इवेंट ई के लिए. 10 के लिए देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन. 10 बताइए 10 के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन? 4 और 6 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और इसका उल्टा क्या आ जाएगा? 6, 4. और 10 के लिए क्या आएगा? 5, 5. ये सब नंबर आप ऐड करेंगे तो आंसर आपको 10 मिलेगा. हाँ सर, 10. यस और नो? सो 4 और 6, 4 + 6 = 10, इसका उल्टा 6, 4 और 5, 5. उसके बाद 11 के लिए देखिए कॉम्बिनेशन आ जाएगा 5, 6 और 6, 5. ये दोनों नंबर आप ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 11. और 12 के लिए एक ही कॉम्बिनेशन है बस, 6, 6. और सबसे बड़ा एक्चुअली आंसर जो आएगा वो 12 आएगा. जैसे देखिए टर्म्स कितने आ गए, फेवरेबल आउटकम आ जाएगा. सो इवेंट में ई में टोटल मोर देन 9, मतलब सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डैश 9 से ज्यादा चाहिए. मोर देन 9, मोर देन 9 के हमने आंसर डायरेक्टली दिया यहाँ पे, 9 से बड़े आंसर यानी 10. तो 9 मोर देन 9 में याद रखिए 9 इंक्लूड नहीं होगा, 9 से बड़े. तो दोनों डाइस के नंबर का सम या तो 10 आना चाहिए, 11 या 12, और 12 से बड़ा सम आ ही नहीं सकता क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन दोनों डाइस पे क्या आएगा? 6, 6. इनको ऐड करने 6 + 6 = 12. इससे बड़ा आंसर एडिशन करने से, सम करने से डाइस के क्वेश्चन में नहीं आएगा. सबसे छोटा आंसर क्या आएगा? 1 + 1 = 2. सबसे छोटा सम एडिशन का आंसर 1 + 1 = 2, और सबसे बड़ा आंसर 6 + 6 = 12. ओके, यहाँ पे 10, 11, 12. 10 के लिए देखिए कौन से कॉम्बिनेशन, अगर सम 10 चाहिए 4, 6, 6, 4 और 5, 5. 11 के लिए 5, 6 और 6, 5. ये 5, 6 है, 5, 6, 6, 5. और 12 के लिए कितने टर्म्स आगे देखिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 टर्म्स. ये 6 हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा. दिस 6 विल बी नथिंग बट एन ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. ओके, सो एन ई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. आई एम राइटिंग इट हियर. Is equal to 6 is equal to number of favorable outcomes. ठीक है, 6 टर्म्स है देखिए. सो दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने से आंसर क्या आना चाहिए? 9 से बड़ा. 9 से बड़ा मतलब 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है. 10 के लिए पूरे कॉम्बिनेशन लिख दिए 4, 6, 6, 4, 5, 5. 11 के लिए दो कॉम्बिनेशन है 5, 6, 6, 5. और 12 के लिए एक ही कॉम्बिनेशन है 6, 6. और 12 से बड़े आंसर्स नहीं आएंगे. सो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? टर्म देख ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 टर्म्स है, 6 आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दैट इज एनी बाय एनएस, एनी बाय एनएस, एनी की वैल्यू 6 है और मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो 36 होते हैं जो एनएस है. तो दोनों को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं. 6 / 6 = 1 एंड 36 / 6 = 6. सो इट इज 1/6. सब क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ सिंपल था. टोटल मोर देन 9 मतलब सम दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने से आंसर 9 से ज्यादा चाहिए, मतलब 10, 11, 12 इसकी कॉम्बिनेशन. नाउ उसके बाद देखिए 6 बहुत ही आसान है. सम ऑफ 13, सम ऑफ 13 क्या चाहिए? 13. लेकिन यहां सबसे बड़ा दोनों डाइस पे नंबर आएगा 6, 6. इससे बड़े डाई पे एक्चुअली जो डॉट्स रहते हैं वो 1 से लेकर 6 तक. सबसे मैक्सिमम नंबर एक डाई पे क्या आ सकता है? 6. So, पहले पे भी 6, दूसरे भी 6, सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है. इसको ऐड करने 6 + 6 = 12 आएगा. 13 कभी आएगा नहीं,
13 डाई के नंबर, डाई के प्रॉब्लम में 13 सम कभी आ ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो आएगा, विल सी इट। सो इवेंट एफ क्या चाहिए, आउटपुट सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज इक्वल टू 13 चाहिए, इज इट। देखिए सम ऑफ 13 या सम ऑफ नंबर्स टू डाइस में 9 से ज्यादा मतलब 10 11 12, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सम ऑफ 13 चाहिए, दोनों डाइस के नंबर को ऐड करके 13, और दोनों डाइस पे सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या आ सकता, 6 6, इसका सम करेंगे 6 प्लस 6 तो 12 आएगा, 12 से बड़े आंसर्स डाइस के क्वेश्चन में सम करके नहीं आ सकते, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आएगा। सो सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इक्वल 13, सो इवेंट एफ इसके अंदर एक भी टर्म नहीं आएगा, उसको ऐसे लिखते हैं, एक भी टर्म नहीं आएगा, इट इज कॉल्ड एज नल सेट, इट इज कॉल्ड एज नल सेट। और कितने टर्म्स है यहां पे, 0 टर्म्स है। ये 0 हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा, NF इज इक्वल टू 0, ये 0 यही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ PF इज इक्वल टू NF अपॉन NS, NF अपॉन NS, NF की वैल्यू 0 है और NS की वैल्यू 36, लेकिन 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आएगा इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, जिस इवेंट की पॉसिबिलिटी है नहीं, जैसे दो डाइस को थ्रो किया और आपको दोनों डाइस के नंबर का एडिशन का आंसर 12 तक मिल सकता, 6 प्लस 6 12, 13 नहीं मिल सकता, तो दोनों डाइस के नंबर के एडिशन का आंसर 13 कभी आएगा ही नहीं, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी रहेगी 0 और ऐसे इवेंट को बोलेंगे इम्पॉसिबल, हो गई नहीं है, सो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इज इट क्लियर? तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, एम्प्टी है, इसको बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट, खाली है, यहाँ पे 0 टर्म, एक भी टर्म नहीं, और ये 0 हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा बाद में। सब क्वेश्चन नंबर 7 इवेंट जी, आउटपुट में देखिए क्या चाहिए, सम लेस देन और इक्वल टू 12, यानी दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद आंसर या तो 12 या उससे कम, नॉट 12 या उससे कम तो सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, मतलब पूरे टर्म्स आ जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे पूरे टर्म्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे इसके पहले के सब क्वेश्चन में क्या देते, सम 13, लेकिन दोनों डाइस के नंबर का एडिशन का आंसर 13 कभी आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे देखिए इस इवेंट पे एक भी टर्म नहीं है, 0 टर्म है, फेवरेबल आउटकम 0 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। और ये इवेंट इसका उल्टा है, यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए, दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद आंसर 12 या उससे कम, या तो आंसर देखिए यहाँ पे स्वीट, सम लेस देन और इक्वल 12, यानी दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद आंसर या तो 12 आना चाहिए, उससे कम मैंने 11 10 9 8, तो इनफैक्ट यहाँ जितने कॉम्बिनेशंस है, जितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखिए 12 आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 10 आएगा, सभी तो इनफैक्ट जितने भी कॉम्बिनेशन है 36, सारे कॉम्बिनेशन में आंसर या तो 12 या उससे कम आएगा, यानी इस सेट के अंदर, इस इवेंट जी के अंदर पूरे 36 टर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पे 36 टर्म्स में से कोई भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद आंसर या तो 12 या 12 से कम आएगा, और हमारी कंडीशन भी वही है, सम लेस देन और इक्वल 12, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 36 हो जाएगा, आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस, सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज इक्वल टू 12 और लेस देन 12 इज इक्वल टू, मतलब क्या होना चाहिए, लेस देन 12 यानी 12 11 10 9 डैश 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 अप टू 3 और सबसे छोटा सम 2 1, क्योंकि यहां पे डाइस के क्वेश्चन में बनाया गया नहीं,
सो बताइए इवेंट जी में, इवेंट जी में कितने टर्म्स आ जाएंगे? ऑल 36 टर्म्स, यानी 1, 1, 1, 2, -, -, 6, 6 पूरे टर्म्स आ जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम एन जी। सो इवेंट एफ सब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चाहिए? सम 13 चाहिए, तो 13 कभी आ ही नहीं सकता, यहां 8 भी टर्म नहीं आएगा और इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी 0। और यहां पे हमको सम 12 या उससे कम चाहिए। जितने भी कॉम्बिनेशन, आप सारे कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए, यहां पे दोनों डाइस के नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा या तो 12 आएगा या उससे कम आएगा। मतलब इस इवेंट जी में इसके अंदर एक्चुअली जितने भी 1, 1, 1, 2 से मतलब पूरे 36 जितने टर्म्स हैं, पूरे 36 टर्म्स आएंगे, 36 टर्म्स। सो हमने डैश डैश करके लिखा, लेकिन यहाँ पे 1, 1, 1, 2, 1, 3 से लेकर जितने यहाँ 36 टर्म दिए, 1, 1 से 1, 6, 2, 1 से 2, 6, 3, 1, 3, 6, 4, 1 से 4, 6, 5, 1 से 5, 6, 6, 1, 6, 6, पूरे 36 टर्म्स यहाँ पे आएंगे। तो फेवरेबल आउटकम आ जाएगा एन जी, एन जी इज इक्वल टू 36 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी पी जी इज इक्वल टू एन जी अपॉन एन एस। एन जी की वैल्यू भी 36 है, यहां 36 टर्म्स है पूरे, और एन एस की वैल्यू तो 36 रहती है, सो दैट इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन, दोनों डैश को थोड़ा करिए, कुछ भी कॉम्बिनेशन आने दिए, कुछ भी कॉम्बिनेशन, तो आंसर दोनों डैश के नंबर का आंसर या तो 12 या उससे कम आएगा। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, मैक्सिमम वैल्यू ये 1, दैट इज कॉल्ड ए सर्टेन इवेंट, इट इज कॉल्ड ए सर्टेन इवेंट। ऑलरेडी इसके पहले एकदम शुरू में आपने किया हुआ है, सर्टेन और श्योर इवेंट, सर्टेन और श्योर, एस यू आर ई, श्योर इवेंट। ओके, सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट।